हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसा नुस्खा शेयर करने वाली जो 100% वर्क करता है, आपके सफ़ेद बालों को इंस्टेंट काला घना मजबूत बनाएगा। देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पे चाय की पत्ती ली है। अब देखिएगा, ये चीज़ तो हमारे घर में रहती है लेकिन इससे इतना डार्क कलर आता है बहुत ज़्यादा। अगर आप इस रेमेडी को ही लगाते हैं तो सिंगल रेमेडी से मैं गारंटेड कह सकती हूँ, तो बहुत अच्छे से ये वर्क करेगी और रंग देगी जिनके बालों में रंग नहीं आता है। इस रेमेडी का एक बार ज़रूर से इस्तेमाल करें और आप फीडबैक शेयर करते हैं, थैंक यू सो मच। फीडबैक ज़रूर से शेयर किया करें। और काफ़ी सारे मेरे पास कमेंट आते हैं कि नेचुरली बाल जो है उनके रंग आ गया है, बाल बिल्कुल नेचुरल काले हो गए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। देखिएगा, चाय की पत्ती जो है बालों को नेचुरली काला करने का काम करती है। फ्रेंड्स, ये सब तो हमें पता है लेकिन हम इसका सही तरीका लगाने का नहीं जानते, जिससे हमारे बाल नेचुरल ही काले हो जाए। आप देखिएगा, चाय की पत्ती में टैनिन एसिड होती है जो सफ़ेद बालों को फिर से काला करने में मददगार होती है बहुत ज़्यादा। इसके अलावा इसमें एंटी ऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो बालों की सारी समस्याओं को दूर करने का काम करती हैं। एंटी जो है ये फंगल गुण भी होते हैं इसमें, जो बालों को ये नेचुरली डैंड्रफ वगैरह की समस्या को दूर करने में काम आती है, सॉफ्ट शाइनी बनाती है। अब देखिएगा, मैंने पानी ऐड कर लिया है इसके अंदर। आपके पास आंवला है तो आप आंवला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, आपके पास में अगर अनार के छिलके हैं तो अनार के छिलके भी आप इसमें ऐड कर दीजिए। बहुत अच्छा कलर आपके बालों में ये नेचुरली देगी। अब देखिएगा फ्रेंड्स, अब इसका सीरम आपको बनाकर रेडी कर लेना है और इसके अंदर आपको केश कांति पाउडर यानी कि हीना डालनी है। हल्का मैंने छान लिया, छानने के बाद में इस तरीके का जो है मैंने केश कांति पाउडर के अंदर ये पेस्ट डाल दिया और बालों में एप्लीकेशन मैंने इसकी कर ली। अब देखिएगा, आप नेचुरली बालों को काला बनाना चाहते हैं तो इस रेमेडी का एक बार इस्तेमाल ज़रूर से करें। यह आपके बालों को नेचुरली काला बनाने का काम करेगी। इसे आपको नेचुरली बालों में लगा छोड़ देना है जब तक वेट ड्राई बाल नहीं हो जाते। उसके बाद में आपको जो है शावर कैप ज़रूर से पहननी है और ये जब सूख जाता है तो शैम्पू का इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है। शैम्पू आप 2 दिन के बाद करेंगे तो बालों में बहुत अच्छा इफ़ेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, आफ्टर एंड बिफोर का मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से एप्लीकेशन हमने इसकी करी।